दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म आ चुके हैं, अप्लाई करना सभी ने सुनिश्चित कर लिया होगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होना है। मैं एक बार जल्दीबाजी में बताना चाहूँगा जिन स्टूडेंट को नहीं पता, जो स्टूडेंट नया नया है, कंप्यूटर बेस पे टेस्ट होगा, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होना है। अप्लाई फॉर्म 17 मई से शुरू हो गए हैं जो कि 16 जून तक के चलेंगे। पेपर 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट में होगा। 1/2 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है, ये आप ध्यान में रखना। पेपर के बाद इसमें फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको टाइपिंग करनी होगी। इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट रहेगी, वहीं हिंदी की 25 रहने वाली है। स्किल टेस्ट के बाद जो टाइपिंग में क्लियर करेगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद आप ऑफिस लाइन में चले जाएंगे। जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। आज मैं हेड कांस्टेबल के पेपर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है जिससे कि आपका हेड कांस्टेबल का पेपर जो है दिल्ली पुलिस का वो निकल जाए। आप सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि समय से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, अपना 100% देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का निकालना है पेपर, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात सोच लीजिए कि आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट रखना लेकिन अपना 100% देना, थोड़ा सा भी पढ़ाई के मामले में कॉम्प्रोमाइज मत करना, ढील मत बरतना। अपना 100% दोगे तो कोई सा भी एग्जाम आपका निकल जाएगा। दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना है, नेगेटिव थॉट नहीं रखना है कि मुझसे नहीं होगा। अगर इसमें आप लगभग, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें इस पेपर में मैं 70 स्कोर कर पा रहा हूं, अगर मैं इसमें स्कोर 70 कर पा रहा हूं तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा इसमें नहीं होगा। आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि 70 आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें 1/2 नेगेटिव मार्किंग होगी। कहीं सारे स्टूडेंट ये भूल कर देंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग लेके चलेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी जो एग्ज़ाम दिया है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से ही अटेम्प्ट किया होगा, तो वो यहाँ पर भी गलती करेंगे। आप गलती मत करना, वो नेगेटिव वाले स्कोर ज़्यादा करेंगे जिससे कि उनका स्कोर लेवल गिर जाएगा, तो आप बिल्कुल भी वो गलती ना कीजिए। अपना जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना, बेस्ट सब्जेक्ट जो होगा वो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जीएस को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, जीएस को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लेना, क्योंकि आप शुरुआत में भी सोचोगे और लास्ट में भी सोचोगे। जीएस में अगर टाइम हम पे कम बचता है तो हम टिक टिक लगा के एकदम से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप वो गलती मत करना। बेस्ट अटेम्प्ट में आप हिंदी को रख सकते हैं और रीजनिंग को रख सकते हैं, उसके बाद आप मैथ पे आना और फिर लास्ट में आप जीएस पे आ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है आपने जितनी मेहनत की होगी ना उतना ही आपका स्कोर आएंगे, आपकी मेहनत के हिसाब से ही आपका स्कोर आएगा। ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है और आप सोच रहे हो कि मैं हेड कांस्टेबल में अच्छी रैंक ला दूंगा, ऐसा नहीं है। और देखिए, हेड कांस्टेबल की जो दिल्ली पुलिस की जॉब है वो बहुत अच्छी है, कंप्यूटर लाइन में है, ऑफिस लाइन में है। एक बात और आप ध्यान में जरूर रखिएगा, जो भी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस पर है। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आएंगे, आप लंबे क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए। जो सबसे छोटे क्वेश्चंस आएंगे उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे अपने बेस्ट चॉइस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि आपने सबसे पहले जीएस उठा लिया, नहीं, सबसे लास्ट में। लंबे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, छोटे क्वेश्चन को सबसे पहले। पेपर 100 क्वेश्चन है, 100 90 मिनट में आपको कवर करना है, 90 मिनट में आपको ये पेपर कवर करना है, ये आप ध्यान में रखना। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अभी से मेहनत करो तो पेपर अभी भी तैयारी करोगे ना तो जब भी पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, औरों से ज़्यादा डबल मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। 2-3 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा, करंट की भी आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या लोक सेवा या दृष्टि के कुछ नोट्स पढ़ सकते हो, उसके माध्यम से आपका करंट क्लियर हो जाएगा।
तो कैसी लगी अपने भैया की स्ट्रेटेजी आपको? अगर मेरी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे आज से भी मेहनत कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट रखना, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत रखना। अगर आपको आपके भाई की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर करना। टेलीग्राम लिंक है, इंस्टा लिंक है, अपने भाई से कॉन्टैक्ट करना है। मैं अगर आपको लगता है मेरे भाई मेरे कोई मदद कर सकते हैं तो मैं ज़रूर करूंगा। कॉल आप रात के 8 बजे करेंगे। अंत में जय हिंद साथियों।